जिस वक्त नरेंद्र मोदी भारत में शपथ ले रहे थे, ठीक उसी समय संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ अपनी दोस्ती का जश्न मना रहा था। राजधानी अबू धाबी के आइकॉनिक ग्रुप का विशाल टावर भारत और अबू धाबी के झंडे का रंग दिखाकर मोदी के दुनिया के महान नेताओं में शामिल होने की गवाही दे रहा था। बहुत सी बातें भारत के साथ पहली बार हुई है जिसकी आधारशिला रखने के पीछे नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड लीडर की छवि है। आइकॉनिक टावर पर केवल भारत अबू धाबी के झंडे के रंग के अतिरिक्त मोदी की तस्वीर भी दुनिया में उनके कद की अहमियत बताती है। रमजान के महीने में पाकिस्तान से अरब देशों को गए पाकिस्तानी भिखारियों ने इस विहंगम दृश्य को देख रहे लोगों से भीख मांगी। बड़ी बात यह है कि अबू धाबी पुलिस ने उन्हें नहीं रोका, मतलब भिखारी अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले हैं। वैसे भी पाकिस्तान से इन दिनों बड़ी तादाद में लोग भीख मांगने अरब देशों की तरफ कूच करते हैं। रमजान के इस महीने के दौरान पाकिस्तानी लोग अरब देशों से लाखों रुपए की भीख मांगकर अपने साल भर का खर्चा निकाल लेते हैं। अबू धाबी के आइकॉनिक टावर के आसपास और स्थानीय मस्जिदों के बाहर ऐसे बहुत से पाकिस्तानी भिखारी भीख मांगते मिल जाते हैं। इनके चेहरों पर कहीं नहीं लिखा होता कि यह परमाणु बम वाले देश के भिखारी हैं, पर असली भिखारी तो यहां से कुछ सौ किलोमीटर दूर जेद्दा में बैठे थे, यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उसके गुरु। इनका काम यही था कि ईद पर इमदाद के बहाने भारत को अपना रुतबा भी दिखा दिया जाए। मतलब भिखारी ने नए तहमंद के पैसे जोड़े नहीं, कुर्ते की नपाई पहले कराकर रख ली। पर यह मुल्क झूठ और गप छोड़ने की वह मशीन भी है जहां इसका वजूद उसी के इर्द गिर्द घूमता है। यह उस हाइना की तरह है जो कभी शायद ही शिकार करता हो बल्कि दूसरे शिकारी की बची खुची हड्डियां चबाकर दांत किटकिटाता रहता है। ठीक कुछ ऐसा ही जेद्दा में हुआ। इस्लामी सहयोग संगठन की सजी 50वीं सालगिरह की महफिल के बाद पाकिस्तान ने खुद ही सगुपा फेंक दिया कि ओआईसी ने कश्मीर का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की वकालत की है। ऐसी बातें खुद पाकिस्तान ने अपनी जबान से कही, यानी इस मुल्क को लगता है कि अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान का जाज बाप ओआईसी है। इसे यह भी लगता है कि ओआईसी ने कह दिया तो बेड़ा पार हो गया। अब बेवकूफों को कौन समझाए कि यह तो भारत भी कह रहा है। भारत के कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में है उस पर बात करो, भारत को सौंपो, फिर थोड़ी बहुत भीख मांगने के रास्ते हिंदुस्तान में भी इनके लिए खुल जाएंगे। बड़ी बात देखिए, अभी तक ओआईसी का कोई आधिकारिक वक्तव्य कश्मीर को लेकर नहीं आया है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय खुद ही बकलोली करके ऐसा प्रचारित कर रहा है, पर कोई इस फिसड्डी मुल्क से पूछे कि इसमें नया क्या है, यह तो पिछले 65 वर्षों से चल रहा है। किसने झंडे उखाड़ लिए हैं? झंडे तो खुद पाकिस्तान के उखड़ गए लगते हैं। आज जब इमरान सऊदी अरब के शेखों की झूठी हड्डियां खाकर दांत किटकिटा रहे थे, पाकिस्तान में पेट्रोल पर बढ़े 9 रुपए के रेट और बिजली के झटके लोगों की हाय अल्लाह से ईद के खजूर अमचूर में बदल गई। अब जरा इनकी कहानी इन्हीं के मुंह से सुनिए। पिछा बंदा है वो किस तरह महीने अपने पूरे करेगा। 300 यूनिट पे हमने मजीद और बढ़ा दिया है और इसकी वजह से बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। ज्यादा गरीब आदमी बहुत परेशान है। लाइट का बड़ा मसला है और बिजली महंगी से महंगी होती चली जा रही है। कौन सी चीज ऐसी है जिसपे नहीं बढ़ाए हुए? बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा ही हो गया। तहरी के टाइम पे तंग कर दे, अफ्तारी के टाइम पे वही तंग कर दे। ये जुलम नहीं करनी चाहिए। या हर मुसलमान का मुल्क है, इतना तो अल्लाह से इंसान को डरना चाहिए ना। लाइट वाइट तो होती नहीं है भाई, और बिल इतना आ जाता है कि बस इतना के भर नहीं सकते हम लोग। जब भी आओ काम पे थे लाइट गई भी होती है, लेट तो होती नहीं है, बिल इतने लंबे भेज देते हैं। हम गरीब आदमी क्या करें, कहाँ जाएं? हम कमाने निकलते हैं, रोजगार नहीं हमारा। कैसे बढ़ाए, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? मजदूरी करता है 1000 रुपए, बिजली के बिल 7-8 हजार रुपए भेज देते। गवर्नमेंट पता नहीं पागल हो गई है, क्या चक्कर हो गया है? पैसे बढ़ाए जा रही है, सैलरियाँ बढ़ा रही नहीं है। अब इतने थोड़ी पैसे हैं कि बंदा या तो फिर चोरी पे मजबूर कर रही है गवर्नमेंट आवाम को। पर यह पाकिस्तान है, अपनी जनता को फ्लाईओवर के सपने दिखाकर ऊंट के ऊपर ले जाकर बिठा देता है, जहां से पाकिस्तानी जनता को लगता है वह भी दुनिया में ऊंचे उठ चुके हैं। इन मदरसा पैदाइश को नहीं पता कि आधी से ज्यादा दुनिया इनके सिर के ऊपर से उड़कर जा चुकी है। इमरान सरकार संकट में है, कुरैशी अपना दांव लगाए बैठे हैं, बिलावल ईद के बाद इमरान खान को बकरा ईद पर हलाल करने के चक्कर में है, जिसके लिए जनता को छुरी पर धार लगाने के लिए बोल दिया गया है। अब पाकिस्तान के ये गुरु चेला कश्मीर पर बात करके पाकिस्तानियों का ध्यान भुखमरी बेरोजगारी से हटाना चाहते हैं, पर कश्मीर का रट्टा लगाने से पाकिस्तानियों का पेट जो कमर में घुस गया है बाहर नहीं निकलने वाला। सरकार विशेष त्योहारों पर बोनस देती है, पर इमरान खान ईद पर बोगस मुद्दा दे रहा है। शायद इसीलिए ये बोगस पाकिस्तान है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।